केसरी नंदन। मैं आपको सावधान करने आया हूं पवन पुत्र हनुमान। आज से आगामी 7.5 वर्षों तक आप पर मेरा प्रभाव काल आरंभ हो रहा है। आप सावधान हो जाएं। मैं आपके शरीर में प्रवेश करने वाला हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं सूर्य पुत्र शनीश्वर, किंतु आप मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो आपको मेरे सामर्थ्य पर संदेह है बजरंगबली? आप सब प्रकार से सामर्थ्य हैं शनीश्वर महाराज, परंतु मेरे मन में तो पहले से ही कोई रिक्त स्थान है ही नहीं, तो मैं फिर आपको स्थान कहां पे दूं? मेरे तन मन जीवन सर्वत्र में प्रभु श्री राम ही राम बसे हैं। आपको कदाचित ज्ञान नहीं है कि मेरे प्रकोप से मनुष्य तो क्या, देव और दैत्य भी नहीं बच सके हैं। 7.5 के 2.5 वर्ष मैं जीव के पैरों में रहकर उसे भटकाता हूं, 2.5 वर्ष उसके सिर में स्थित रहकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट करता हूं, और 2.5 वर्ष उसके मुख में प्रवेश करके उसकी सुख शांति धन संपत्ति सबका हरण करके उसे पूरा दरिद्र बनाकर छोड़ देता हूं। महाराज, मैं तो केवल उसी ज्ञान को अपने पास रखता हूं जिससे मैं अपने प्रभु के प्रेम रस में सदा लीन रह सकूं। शेष सारे ज्ञान को मैं अपने किसी काम का नहीं समझता। ऐसा है तो मेरी 7.5 का थोड़ा और ज्ञान ले लीजिए। अवश्य शनिदेव, कृपा कीजिए। जब मेरी 7.5 चलती है तो प्राणी दुख कष्ट और असुरक्षा से बुरी तरह से घिर जाता है। रोग और व्याधि उसे जकड़ लेते हैं। कभी सर पर छत गिर पड़ती है तो कभी उसके घर में आग लग जाती है। कलह का वातावरण हो जाता है। सब ओर असफलता और पराजय ही मुख फाड़ कर खड़ी हो जाती है। कलंक और आरोप लगने लगते हैं। प्राणी अपनी सोच और बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रख पाता। मेरे अधीन होकर वो क्रोध और आवेश में आकर अपनी ही हानि कर बैठता है। मन व्यथित रहता है, वाणी कठोर बोलता है, सुख नष्ट हो जाता है, संपत्ति का नाश हो जाता है, दुख ग्लानि और शोक इसके अतिरिक्त उसके पास कुछ भी नहीं रहता। सावधान हनुमान, आपकी 7.5 इसी क्षण प्रारंभ हो गई। यदि आप अपना निर्णय नहीं बदल रहे और आपने श्री राम के तुच्छ भक्त से ठान ही ली है तो आपका स्वागत है शनीश्वर। आपका जो नियम है आप उसका पालन कीजिए और मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। आपको पीड़ा देने में मुझे कोई रुचि नहीं है हनुमान, किंतु काल के विधान में मुझे यही कार्य मिला है, और मेरे कार्य में कोई बाधा डाल सके ऐसा किसी के लिए संभव नहीं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। ये क्या कर रहे हैं पवन पुत्र? सिर में खुजली हो रही है महाराज। खुजली हो रही है तो तेल इत्यादि जैसा कोई उचित उपाय करो। नहीं नहीं महाराज, मेरे स्वभाव को यही उपचार भाता है। जय श्री राम।
मारुति नंदन, इन चट्टानों के भूत से मैं मरा जा रहा हूँ, कृपया इन्हें हटाएं। क्षमा करें शनीश्वर महाराज, जैसे आप काल के विधान से विवश हैं, वैसे ही मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ। जय श्री राम। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर भूत अतुलित बल धामा रंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के त्रैवाम बजरंग बली जाकर मुझ पर मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं महाराज, आपको तो मेरे शरीर में 7.5 वर्षों तक रहना है, अभी तो 7.5 क्षण भी नहीं हुए। अपने प्राण बचा के रखिए। नहीं नहीं महाबली, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे राम भक्त हनुमान, मैं आपके भीतर नहीं रह सकता। नहीं रह सकते तो निकल जाइए। मैं यदि स्वयं निकल सकता तो इसी पल आपको छोड़ देता, किंतु मैं यहाँ फंस गया हूँ। पूरा जगत मुझसे याचना करता है, मैं आपसे याचना कर रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं आपको कभी पीड़ित नहीं करूंगा। मुझे ही नहीं शनिदेव, आप चाहकर भी कभी भी किसी राम भक्त को पीड़ित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिसके हृदय में राम का प्रभाव हो जाता है उसके ऊपर काल का प्रभाव काम नहीं करता। मैं सदा आपकी बात का स्मरण रखूंगा। हे राम दूत, कृपया आप मुझे जाने दें। जय श्री राम। हे राम भक्त हनुमान, क्या आपसे मुझे थोड़ा तिल तेल मिल सकेगा? मुझसे तो नहीं मिल सकेगा हे सूर्य पुत्र, पर आज के बाद आपके दुष्ट प्रभावों से बचने के लिए भक्तगण आपको तेल चढ़ाकर ही प्रसन्न करेंगे।